हेलो एवरीवन मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन जहां आपको मिलता है 100 परसेंट एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू ट्वेल्थ क्लास आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर सेवन डेथ ऑफ अ पार्टनर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लिए थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पर चलो क्या बोल रहा है विराध विषाद एंड रोमा वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू थ्री टू टू तीन पार्टनर्स थे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन दैर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर बैलेंस शीट इकतीस मार्च दो हजार तेरह पे कैपिटल अकाउंट दिए हैं तीनों पार्टनर्स के रिजर्व रिजर्व फंड दिया है मतलब क्या है ये आइटम जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में ठीक है जो जिसका शेयर मिलेगा जो भी जिस भी पार्टनर की डेथ होगी क्रेडिटर्स देन असट साइड में बिल्डिंग्स मशीनरी पेटेंट स्टॉक डेटर्स एंड कैश ठीक है आगे बढ़ते हैं विराद डाइड ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन तो यहां पर किसकी डेथ हो रही है विराट की डेथ हो रही है कब हो रही है फर्स्ट अक्टूबर को मतलब उसने इस अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने सर्व किया अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर ठीक है तो तीस सेप्टेंबर तक उसने सर्व किया है फर्म को ठीक है तो यहाँ पर जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा वो छह महीने के हिसाब से निकलेगा इट वॉज अग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2.5 इयर्स फाइव परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट थ्री इयर्स द एवरेज प्रॉफिट्स वर डेढ़ लाख चलो इन लोगों ने हमारे लिए ये काम आसान कर दिया उन्होंने हमें डायरेक्टली डेढ़ लाख एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टू एंड हाफ तो सीधे आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड एट टेन परसेंट पर एनम पर एनम वर्ड अगेन यूज किया है तो यहाँ पे हमें मंथली बेसिस पे छह महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द टू थाउजेंडर्टीन फोर्टीन बी टेकन एज हैविंग अक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर विच वॉज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो क्या बोल रहे हैं कि जो ईयर दो हजार तेरह चौदह है उसमें हमें सेम प्रॉफिट लेना है जो पिछले साल हुआ था उसी को हम मानेंगे कि इतना ही इस साल भी होने वाला है और प्रपोर्शन बेसिस पे फिर हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे किसका विराट का प्रिपेयर विराज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू इज एग्जीक्यूटर्स एज ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट तो विराट कैपिटल अकाउंट लिख लिया यहां पर अब स्टार्ट करते हैं यहां पर एंट्रीज करना पोस्ट करना सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तो ओपनिंग बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट कितना था विराट का तीन लाख रुपए उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था चलो तो यहां पर लिख लेते हैं थ्री लाख इसके बाद हम बांटेंगे क्या केक आइटम रिजर्व फंड साठ का ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं बाय रिजर्व फंड तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट कितना हो जाएगा ये सिक्सटी थाउजेंड में तो विराट का शेयर कितना है देखो ध्यान से विराट का शेयर हो जाएगा फाइव बाय टेन ठीक है तो सिक्सटी थाउजेंड रिजर्व फंड था इंटू फाइव बाय टेन कर दो तो कितना हो जाएगा थर्टी थाउजेंड का शेयर जो है रिजर्व में से केक आइटम में से वो विराट को मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा और देखो क्या क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट पर एनम से प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम क्या लिखते थे पी सस्पेंस अकाउंट से ही रूट करना होगा इसको भी याद है फॉर्मेट में हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना है डायरेक्टली आपको पी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट करना है ठीक है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लेकिन लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो तो तीन लाख रुपए कैपिटल था ठीक है ओपनिंग बैलेंस उस पर दस परसेंट से इंटरेस्ट का मीटर चालू हुआ लेकिन पर एनम दस परसेंट है ठीक है तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा छह महीने के लिए तो सिक्स बाय ट्वेल्व ठीक है तो थ्री लाख का टेन परसेंट कितना हो गया थर्टी थाउजेंड छह महीने का कितना हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड तो आपका पंद्रह हजार रुपए क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया समझ में चलिए नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं गुडविल ठीक है तो गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट टू पॉइंट फाइव इन परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट चलो तो यहां पर आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे तो यहां पर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट्स वर्किंग नोट नंबर वन तो यहां पर हम लिख लेते हैं फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड तो एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना थाउजेंड एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है टू एंड हाफ टू पॉइंट फाइव लिख सकते हैं इसको तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फर्म की गुडविल हो गई ठीक है तो इसमें से विराट की गुडविल का शेयर कितना होगा तो यहां पर लिख लेते हैं विराद शेयर ऑफ गुडविल इज़ इक्वल टू थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फॉर्म की गुडविल है तो इंटू फाइव बाई टेन विराट का शेयर होगा ठीक है तो ये हो जाएगा वन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब ये वन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो विराट का शेयर है उसको कॉम्पनसेशन दे गए कौन देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स विषाद एंड रोमा किस रेशियो में देंगे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्लियरली गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहां पे थ्री इज टू टू ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं डायरेक्टली विषाद एंड रोमा ठीक है और गेनिंग रेशियो हो जाएगा यहां पे थ्री इज टू टू चलो तो गेनिंग रेशियो में इसको बांट लेते हैं थ्री बाय फाइव विषाद देगा वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू बाई फाइव रोमा देगी दैट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पर हम टोटल वन लाख एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से विराट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं जिसमें से उसको एक लाख बारह हजार पाँच सौ रुपए किससे मिलेंगे विषाद के कैपिटल अकाउंट तो से तो बाय विषाद कैपिटल अकाउंट एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड रिमेनिंग किसके कैपिटल अकाउंट से मिलेंगे रोमा से मिलेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड बाय रोमास कैपिटल अकाउंट। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट तो गुडविल का भी हमने पूरा वर्किंग कर लिया एडजस्टमेंट कर लिया नेक्स्ट क्या है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14 बी टेकन एज हैविंग अक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर विच वाज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो पिछले साल के प्रॉफिट कोई बेस मान के इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्टली विशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि पिछले साल डेढ़ लाख का प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी डेढ़ लाख का प्रॉफिट होगा इतना ही अक्रू होगा तो हमें डेढ़ लाख का पूरे साल का प्रॉफिट होगा लेकिन विषाद की डेथ हो गई छः महीने बाद तो हमें छः महीने के हिसाब से प्रपोर्शनेटली प्रॉफिट निकालना होगा और वो छह महीने के प्रॉफिट में से भी विषाद का शेयर कितना होगा फाइव बाई टेन होगा ठीक है तो चलो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू सिक्स इंटू फाइव बाई टेन हो गया थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड क्या आ जाएगा विषाद का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड बाय पी एन एल सस्पेंस अकाउंट ठीक है ये दोनों हो जाएंगे आपके वर्किंग नोट नंबर वन और ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर टू तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया आपने यहां पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ चलिए तो हम लोगों ने आई थिंक सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं जितने भी एडजस्टमेंट्स थे यस yes, और बैलेंस शीट के भी सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं चलिए तो अब बस क्लोज करते हैं विषाद का कैपिटल अकाउंट और देखते हैं कितना अमाउंट ड्यू आ रहा है जो विषाद को देना होगा तो तीन लाख प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो ये आ जाएगा फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है तो फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस दैट इज अमाउंट ड्यू तो विषाद विराट को तो नहीं दे सकते हम ठीक है तो विराट के एग्जीक्यूटर को देंगे तो टू विराज एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ये ट्रांसफर कर देंगे चलिए तो ये आपका विराट का कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट होता है ठीक है ये विराट होगा विषाद नहीं विराध होगा ये ठीक है तो विराज शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड विराज शेयर ऑफ गुडविल वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड जो उसको विषाद और रोमा कॉम्पनसेशन देंगे ठीक है तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़े से राइमिंग वर्ड्स विराध और विषाद लिया है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि आप गलती से विराध की जगह विषाद ना लिख दो ठीक है चलिए तो ये आपका विराध का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर पूरा प्रिपेयर हो चुका है और विराध का एग्जीक्यूटर अकाउंट को टोटल फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड देना होगा ट्रांसफर टू विराट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड परफेक्टली आंसर आ चुका है हमारा जल्दी से नोट कर लो कैपिटल अकाउंट और ये देख लो जल्दी से वर्किंग नोट्स अगर इनमें कोई डाउट हो तो पूछो सबसे पहले हमने गुडविल की वर्किंग की है एंड देन विराट का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला है आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी The the balance sheet of of A, A, B B, and C, C, who are sharing profits in the ratio as to to as at 31st March 2019, was as follows. partners so, बैलेंस है सी और उनकी शीट, 31 की दी हुई है. देखो क्या क्या दिया है जनरल रिजर्व K आइटम तो में से जो डिजीज पार्टनर होगा उसकी हिस्सेदारी होगी बिल्स पेबल लोन फ्रॉम बैंक एंड तीनों partners के कैपिटल अकाउंट सेट साइड पे कैश स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और लैंड एंड बिल्डिंग ए डाइड ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2019 तो so, अब ए की डेथ हो रही है कब फर्स्ट अक्टूबर 2019 ठीक है इसका मतलब 31 मार्च 2019 हजार उन्नीस को एक अकाउंटिंग ईयर मतलब प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ एक अप्रैल 2019 से नया अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ तो इस करेंट अकाउंटिंग ईयर में ए ने कितने महीने सर्व किया अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मतलब छह महीने ठीक है और एक अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई समझ में आ रहा है तो इस साल इस अकाउंटिंग ईयर में ए ने सिक्स मंथ सर्व किया द पार्टनरशिप डीट प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर क्या क्या देखो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट टू ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स तो पिछले तीन साल के जो एवरेज प्रॉफिट है ठीक है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज टू ईयर्स तो हमारा क्या आ जाएगा फर्म का गुडविल उसमें फर्म के गुडविल में से क्या शेयर होगा ए का वो हमें निकालना होगा द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन वॉस फिफ्टी थाउजेंड तो पिछले साल का पचास हजार रुपये का प्रॉफिट था तो so, प्रपोर्शनेटली इसको हम बेस मान के इस साल का पीरियड के बेसिस पे निकाल लेंगे छः महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे और उस छः महीने के प्रॉफिट में ए का कितना शेयर होगा वो हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है एट द एट एट द रेट सिक्स परसेंट पर एनम ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा सिक्स परसेंट पर एनम से द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स वर थर्टी फाइव थाउजेंड तो पिछले तीन साल के एवरेज प्रॉफिट्स है थर्टी फाइव थाउजेंड उन्होंने आपको डायरेक्टली निकाल के दे दिया प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स ठीक है तो ए का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है ये हमारा फॉर्मेट रेडी है यहां पर हम लिख लेते हैं एज कैपिटल अकाउंट चलो बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर के क्लोज पर कितना कैपिटल था ए का सिक्सटी थाउजेंड था यहां तो पर लिख लेते हैं सिक्सटी थाउजेंड फिर नया अकाउंटिंग स्टार्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ ठीक है उस पर ए को क्या दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ले लेते हैं ठीक है तो सिक्स परसेंट पर आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ से रूट करते हैं इसको भी हम पी एन एल सस्पेंस अकाउंट से ही रूट करते हैं ठीक है ये याद रखना तो बाय पी एन एल सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो तो सिक्स परसेंट पर एन है तो साठ हजार ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का उस पर छः परसेंट है क्योंकि पर एन है मतलब बारह महीने का छः परसेंट है ठीक है एनुअली सिक्स परसेंट है तो हमें सिक्स मंथ्स का कितना देना पड़ेगा कितना मिलेगा ए को तो सिक्सटी थाउजेंड का सिक्स परसेंट इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व भी हो जाएगा एटीन हंड्रेड तो अट्ठारह सौ रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ए को ठीक है इतना समझ में आ गया अब यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी नाइनटीन वॉज फिफ्टी थाउजेंड तो प्रॉफिट पिछले साल का था पचास हज़ार तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं ठीक है तो पहला वर्किंग नोट हमारा क्या हो जाएगा एज शेयर इन प्रॉफिट ठीक है तो पिछले साल का था पचास हजार पूरे साल का तो अगर हम मान लेंगे कि इस साल भी अगर फिफ्टी थाउजेंड का ही प्रॉफिट होने वाला है तो सिक्स मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा उस पच्चीस हजार में ये पच्चीस हजार तीनों पार्टनर्स का है ए का कितना हिस्सा होगा तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है ए का कितना हो जाएगा थ्री बाय टेन तो यहाँ पर हम ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय टेन तो ए शेयर इन प्रॉफिट निकाल लो फिफ्टी थाउजेंड इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व इंटू थ्री बाय टेन तो ये हो जाएगा आपका सेवनटी फाइव हंड्रेड तो सेवनटी फाइव हंड्रेड रुपीज ए का शेयर इन प्रॉफिट हो जाएगा जो उसको मिलेगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्रेडिट साइड पर सेवेंटी फाइव हंड्रेड और किस अकाउंट के थ्रू मिलेगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से ही मिलेगा ठीक है याद आ रही है जर्नल एंट्री तो बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द दे डेट ऑफ डेथ चलिए तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि इसकी वर्किंग हमने की है वर्किंग नोट नंबर वन में ठीक है शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्लियर हो गया अब गुडविल निकाल लेते हैं चलो सेकेंड वर्किंग नोट आ जाएगा हमारा तो सबसे पहले लिख लेते हैं फर्म्स गुडविल तो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड ठीक है और यहां पे देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें थर्टी फाइव थाउजेंड दिया है थर्टी फाइव थाउजेंड इन टू नंबर ऑफ ये टू यहां पर लिख लेते हैं तो 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 कितना हो जाएगा? तो फर्म की तो हो जाएगा की गई इसमें से ए का शेयर कितना होगा तो एज शेयर इन गुडविल आपका हो जाएगा सेवेंटी थाउजेंड का थ्री बाय टेन ठीक है तो सेवेंटी थाउजेंड इंटू थ्री बाय टेन ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन थाउजेंड तो ट्वेंटी वन थाउजेंड जो है गुडविल में मेहनत का हिस्सा है किसका ए का अब ए को इक्कीस हजार का कॉम्पनसेशन कौन देंगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स है जो गेन कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्लियरली बी और सी का जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है वो नहीं दिया है ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर जो इनका अभी एग्जिस्टिंग है बी और सी का एग्जिस्टिंग रेशियो है यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा और यही इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा ठीक है तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा थ्री टू फोर तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेनिंग रेशो थ्री इज टू फोर है तो बी और सी कितना देंगे निकाल लो ट्वेंटी वन थाउजेंड इंटू थ्री बाय सेवन ये हो जाएगा फिफ्टीन सेवन फिफ्टी एंड फोर बाय सेवन हो जाएगा थ्री बाय सेवन हो जाएगा नाइन थाउजेंड सॉरी ठीक है एंड फोर बाय सेवन हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है तो बी को थ्री सेवेंथ हिस्सा देना पड़ेगा और सी को फोर सेवेंथ हिस्सा देना पड़ेगा ट्वेंटी वन थाउजेंड में से तो इस तरह से दोनों मिलके कॉम्पनसेशन देंगे किसको ए को समझ में आ रहा है चलो तो यहां पर ए को मिल जाएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड जिसमें से उसको बी से मिलेगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना नाइन थाउजेंड मिल जाएगा ठीक है एंड बारह हजार सी से मिल जाएगा बाय सीस कैपिटल अकाउंट ठीक है तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपने ले लिए गुडविल का भी एडजस्टमेंट ले लिया प्रॉफिट का भी ले लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया आप एक बार बैलेंस शीट पे आ जाओ इस केक आइटम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठीक है तो फोर्टी थाउजेंड का जनरल रिजर्व था जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पर लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट तो फोर्टी थाउजेंड के केक आइटम में ए का कितना शेयर होगा थ्री टेंथ थ्री बाय टेन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड चलिए तो हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं अब बस हमें क्या करना होगा कि ए का टोटल अमाउंट कितना ड्यू बनता है जो फर्म को देना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिक्सटी थाउजेंड कैपिटल का एटीन हंड्रेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेवेंटी फाइव हंड्रेड शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस नाइन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड गुडविल का कॉम्पनसेशन एंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड केक आइटम में हिस्सेदारी एक लाख दो हजार तीन सौ तो वन लाख टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड क्या आ जाएगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर दैट इज अमाउंट ड्यू टू ए बट अब ए की तो डेथ हो चुकी है तो किसको हम ये ट्रांसफर कर देंगे एक ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखो आ गया, उज थ्री हंड्रेड जल्दी से देख लो सोल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कोई भी इसमें नई बात नहीं थी ऐसी ठीक है यहां पर बस एक चीज और कर लो वर्किंग नोट लिख लो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर टू और ये भी वर्किंग नोट नंबर टू ठीक है तो ये आपका ए का पूरा कैपिटल अकाउंट बन चुका है देन वर्किंग नोट्स में शेयर ऑफ प्रॉफिट और फर्म की गुडविल का हमने वर्किंग कर लिया है तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट इसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आर एस एंड टी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ फाइव इन टू टू तो तीन पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी एटीन देर बैलेंस शीट स्टूड एज ठीक है तो इकतीस मार्च दो हज़ार अट्ठारह को क्या क्या बैलेंस शीट में दिया हुआ है देखो लाइबिलिटी साइड पे तीनों के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की गुल्लक दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दिया हुआ है ठीक है तो अगर कोई क्लेम नहीं आता है जो भी क्लेम आएगा वो एडजस्ट कर लेंगे और रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देंगे ठीक है लेकिन अगर क्लेम नहीं आता है तो पूरी की पूरी गुल्लक फोड़कर हम तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे ठीक है असेट साइड पे देखो गुडविल तो इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा ठीक है लीज होल्ड पेटेंट्स मशीनरी स्टॉक डेटर्स एंड कैश एट बैंक चलिए टी डाइड ऑन फर्स्ट ऑगस्ट 2018 तो यहां पर अकाउंटिंग ईयर इस साल का जो स्टार्ट हो रहा है वो एक अप्रैल 2018 स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई ठीक है तो यहां पर क्लियरली उसने चार महीने सर्व किया 31 जुलाई तक और एक अगस्त को उसकी डेथ हो गई ठीक है तो टी की डेथ हो रही है यहाँ पे देन इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल बी वैल्यूड एट टू एंड हाफ ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट फोर ईयर प्रॉफिट विच वर टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन काउजेंड सिक्स थाउजेंड एटी थाउजेंड एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो पिछले चार साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं उसका एवरेज निकाल कर उसमें हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फर्म की गुडविल आ जाएगी उसमें से टी का कितना हिस्सा है वो निकालेंगे समझ में आ रहा है और उसका कॉम्पनसेशन कौन देंगे गेनिंग पार्टनर्स मशीनरी भी वैल्यूड एट रुपीज़ वन लाख फोर्टी थाउजेंड पेटेंट्स भी वैल्यूड एट फोर्टी थाउजेंड लीज होल्ड भी वैल्यूड एट वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑन फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंड एटीन ठीक है तो ये अलग अलग असेट्स का रीवलुएशन वगैरह हुआ है वो हमें देखना होगा फॉर द परपज ऑफ कैल्कुलेटिंग टीज शेयर इन द प्रोफिट्स ऑफ एटीन नाइनटीन द प्रोफि इन एटीन नाइनटीन शुड भी टेकन टू हैव अक्रूव ऑन द सेम स्केल एज इन सेवनटीन एटीन तो क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि सेवनटीन एटीन का जो प्रॉफिट है उस हम मान लेंगे कि उतना ही इस साल भी अक्रूव हुआ है उसी को बेस लेकर इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा उसने जितने टाइम सर्व किया उसके अकॉर्डिंगली वो हम कैलकुलेट करेंगे असम ऑफ रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड टू बी पेड इमीजिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ टी एंड द बैलेंस टू बी पेड इन फोर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स टूगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट टेन परसेंट पर एनम तो क्या बोला गया है कि हमें सम इक्कीस हज़ार तो तुरंत जितना भी अमाउंट दिया होगा उसमें से इक्कीस हज़ार तुरंत पे कर देना है एग्जीक्यूटर्स को एंड रिमेनिंग जो है अमाउंट वो हमें चार इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है अब यहाँ पर आपको क्या क्या करना है देखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबअ ट्रांजेक्शन्स तो हमें जर्नल एंट्रीज तो पास करनी ही है ठीक है एंड टी इज़ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है तो टी का जो एग्जीक्यूटर है मतलब टी का जो लीगल एयर होने वाला है उसका अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा ठीक है समझ में आ रहा है तो ये आपको मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ आपको चेक करना है अगर आपके सिलेबस में एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आ रहा है ठीक है अगर सिलेबस में दिया है कि कवर करना है तो आप इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला पार्ट भी अच्छे से समझोगे बट फिलहाल अगर आपके एग्जाम्स में एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं है ठीक है सिलेबस में नहीं है तो फिर आपको इसको इग्नोर करना है ठीक है बट नॉलेज पर्पज़ से आप सिर्फ ये एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला पार्ट आप देख सकते हो लेकिन बाकी चीज़ें तो है ही ठीक है जर्नल एंट्रीज तो सबको ही देखना है ठीक है इसके अलावा क्या है इसके अलावा हम कैपिटल अकाउंट वगैरह भी बनाएंगे वर्किंग नोट्स के लिए वो सब आपको सब काम में आने वाला है सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको चेक करना है आपके सिलेबस में अगर आ रहा है तो आप ध्यान से इसको भी देख लेना और अगर नहीं आ रहा है तो अभी आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से तो साइमल्टेनियसली वर्किंग नोट्स भी बनाते जाएंगे जर्नल एंट्रीज भी करते जाएंगे ठीक है चलो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेते हैं ठीक है तो मशीनरी भी वैल्यूड एट वन लाख फोर्टी थाउजेंड तो मशीनरी की वैसे वैल्यू कितनी थी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसका मतलब क्या हो रहा है कि मशीनरी की वैल्यू गिर गई ठीक है कितने से दस हजार से तो यहां पर हम कर लेते हैं पहली एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट डेट्स डालते जाते हैं काम करते हैं सबसे पहले तो ये हो जाएगी डेट हमारी 2018 फर्स्ट अगस्त जिस दिन डेथ हुई पार्टनर की ठीक है उस दिन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम तो 2018 अगस्त फर्स्ट तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना दस हज़ार से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान हो रहा है एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए रीवैल्यूशन अकाउंट डेबिट करेंगे इसके अलावा और देखो पेटेंट्स भी वैल्यूड एट फोर्टी थाउजेंड पेटेंट्स कितने थे तीस हज़ार के तो चालीस हज़ार के हो गए मतलब रिवैल्यूशन का क्रेडिट होगा ठीक है तो इसको हम अलग जर्नल एंट्री में ले लेंगे लीज़ होल्ड भी वैल्यूड एट वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो लीज़ होल्ड वन लाख था वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये भी बढ़ गया ठीक है तो सिर्फ नुकसान एक ही है दैट इज़ मशीनरी की वैल्यू कम करना ठीक है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बींग मशीनरी वैल्यू रिड्यूस्ड ठीक है तो ये आपका एक एंट्री हो गया जो रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में आएगा दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी दूसरी एंट्री जो फायदे हो रहे हैं ठीक है तो फायदा क्या क्या हो रहा है देखो पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो पेटेंट्स को हम कर देंगे डेबिट असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो तो पेटेंट्स अकाउंट डेबिट एंड सिमिलरली यहाँ पर और किसकी वैल्यू बढ़ रही है लीज होल्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो पेटेंट्स की वैल्यू देखो कितनी बढ़ रही है दस यहाँ पर दस हज़ार से बढ़ रही है फोर्टी थाउजेंड हो रही है एंड लीज होल्ड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन थाउजेंड से पेटेंट्स बढ़ रहे हैं लीज होल्ड अकाउंट डेबिट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ रहे हैं तो टोटल रीवैल्युएशन के क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड बींग वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज्ड ठीक है चलो तो क्लियरली अब ये दो एंट्रीज देख के आप रीवैल्यूशन अकाउंट को इमेजिन कर पा रहे हो आप चाहो तो वर्किंग नोट्स में रिवैल्यूशन अकाउंट भी बना सकते हो बट जर्नल एंट्री तो हमें एनी हाउ पास करनी ही है ठीक है तो यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड रीवैल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ रहा होगा और टेन थाउजेंड रीवैल्यूशन के डेबिट साइड में आ रहा होगा इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है रीवैल्युएशन का पच्चीस हजार तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे बांट देंगे पार्टनर्स में तो यहां पर हम लिख लेते हैं री अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स कौन कौन है आर एस और टी और इन तीनों का रेशियो है फाइव टू थ्री टू टू ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट पच्चीस हजार टू आरस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल अकाउंट ठीक है तो फाइव इस टू थ्री इस टू टू के रेशियो में बांटते हैं चलिए तो ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर को मिल जाएगा फाइव बाई टेन थ्री बाय टेन सेवेंटी फाइव हंड्रेड एस को मिल जाएगा एंड टू बाय टेन फाइव थाउजेंड टी को मिल जाएगा यहां पर हम नरेशन लिख लेते हैं बींग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है इन देर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये हो गई आपकी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज कंप्लीट ठीक है सबसे पहले हमने एसेट्स को रिवैल्यू कर लिया उसके बाद हमारा जो गेन आया रिवैल्यूएशन पे उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समझ में आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर इस पर हम लगा देते हैं टिक क्योंकि हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट वाला चीज़ कम्प्लीट हो गया चलिए अब इसके बाद एक काम कर लेते हैं साइड बाय साइड वर्किंग नोट के लिए ठीक है ये तो हमारा मेन एग्जीक्यूटर अकाउंट हो जाएगा बट यहाँ पर वर्किंग नोट के लिए हम बना लेते हैं टी का कैपिटल अकाउंट तो साइमल्टेनियसली हम जर्नल एंट्रीज भी देखते जाएंगे तो आपका अच्छी तरीके से रिविजन भी हो जाएगा ठीक है तो जर्नल एंट्रीज भी देखते जाएंगे और यहाँ पर उसका कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करते जाएंगे तो टी इज़ कैपिटल अकाउंट चलो तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर टी का बैलेंस कितना था लास्ट अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हुआ था तब का बैलेंस था सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो जब हम अब बुक्स खोलेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा सेवेंटी तो ठीक है इसमें से अब जो जो टी को मिलेगा वो क्रेडिट करेंगे और जो टी को देना है वो डेबिट करते जाएंगे तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन वाला हम प्रॉफिट यहां पे डाल देते हैं तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन ठीक है तो देखो यहाँ पर क्लियरली कितना था सेवेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का गेन हुआ था उसमें से टी को कितना मिल रहा है पांच हजार मिल रहा है ठीक है तो फाइव थाउजेंड यहाँ पर लिख लेते हैं चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद देखते जाते हैं और क्या क्या एंट्रीज होने वाली हैं यहां पर ये गुडविल राइट ऑफ करनी है ठीक है तो गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं पच्चीस हजार तो यहां पर हम एंट्री कर देते हैं टू गुडविल अकाउंट पच्चीस हजार इंटू टू बाय टेन फाइव इंस टू थ्री टू टू रेशियो है तो ये हो जाएगा फाइव थाउजेंड अगेन तो गुडविल को हम मार कर राइट ऑफ कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में तो जो शेयर होगा उतने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे ठीक है चलिए गुडविल वाला हो गया देन अगेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं आया है तो इसको भी हम बांट देंगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ठीक है तो थर्टी थाउजेंड में इसका कितना हिस्सा हो जाएगा 2 बाय 10 तो ये हो जाएगा 6000 क्लियर हो गया चलिए तो बैलेंस शीट के आइटम्स हमने यहाँ पर कर दिए अब लगे हाथ यहाँ पर जर्नल एंट्री भी कर देते हैं इसकी तो अगस्त 1st को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की गुल्लक को फोड़कर हम पार्टनर्स में बांट देंगे तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू टीस कैपिटल अकाउंट ठीक है तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना था थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड को फाइव इज टू थ्री टू टू के रेशो में बांटो तो बिल्कुल रिटायरमेंट वाला ही आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है जैसे आप करते थे ये हो जाएगा थाउजेंड ये हो जाएगा नाइन थाउजेंड और ये हो जाएगा सिक्स थाउजेंड तो यहां पर लिख लेते हैं being डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स ठीक है इसी तरह से गुडविल को राइट ऑफ करने की भी एंट्री कर देते हैं साथ ही साथ बिल्कुल सेम जैसे रिटायरमेंट में करते थे तो गुडविल अकाउंट डेबिट सॉरी गुडविल का डेबिट बैलेंस है उसको मारेंगे तो क्रेडिट करेंगे और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ठीक है तो चलो देखते हैं यहां पर कितना हो जाएगा आपका गुडविल कितनी थी 25,000 हजार तो पच्चीस हजार को फाइव टू थ्री टू टू के रेशियो में बांटो 25,000 ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की गुडविल थी जिसको हम राइट ऑफ करेंगे फाइव टू थ्री टू टू के रेशियो में तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा सेवेंटी फाइव हंड्रेड से एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एंड फाइव थाउजेंड से टी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बींग गुडविल रिटर्न ऑफ क्लियर हो गई ठीक है तो इतनी जर्नल एंट्रीज़ क्लियर हो रही है पहले हमने रीवैल्यूशन की जर्नल एंट्रीज की देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंड देन गुडविल को राइट ऑफ करने की तो देखो यही सारे हमने कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कर दी हैं ठीक है दोनों बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रहा है चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अब फर्स्ट एडजस्टमेंट पे गुडविल फॉर्म का वैल्यूएशन करना है हमें ठीक है तो यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकेंड वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा फर्म्स गुडविल इज़ इक्वल टू तो एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं चार सालों का कितना कितना है देखते हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड एटी थाउजेंड एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो यहां पर लिख लेते हैं 65,000 प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर तो ये चार साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है हमें टू एंड हाफ ठीक है तो टू पॉइंट फाइव नंबर ऑफ योर परचेज चलो तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड प्लस सिक्सटी थाउजेंड प्लस एटी थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई फोर एवरेज प्रॉफिट सेवेंटी थाउजेंड आ गया टू टू पॉइंट फाइव किया नंबर ऑफ तो गया तो फॉर्म की गुडविल वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ गई तो टीज इन गुडविल कितना वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का टू बाय टेन ठीक है तो कितना आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड अब ये थर्टी फाइव थाउजेंड का कॉम्पनसेशन कौन देगा टी को आर और एस देंगे किस रेशियो में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आर और एस का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग यही इनका क्या बन जाएगा गेनिंग रेशियो ठीक है तो यहां पे लिख लेते हैं आर और एस फाइव थ्री के रेशियो में इसको कॉम्पनसेशन देंगे ठीक है या आपको इस तरह से नहीं लिखना है आपको प्रॉपर आर विल कॉम्पनसेट एस विल कॉम्पनसेट इस तरह से लिखना पड़ेगा ये मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूं बस समझाने के लिए तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन एट सेवेंटी फाइव और इसको देना होगा थर्टीन वन ट्वेंटी फाइव ठीक है तो इस तरह से थर्टी फाइव थाउजेंड को दोनों पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स फाइव टू थ्री के रेशियो में कॉम्पनसेशन देंगे ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट ठीक है तो कितना था ट्वेंटी वन एट सेवन फाइव आर से मिलेगा एंड थर्टीन वन टू फाइव एस से मिलेगा क्लियर हो गया इतना चलो तो ये आपका गुडविल एडजस्टमेंट हो गया यहां पर हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर टू ये भी हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर सॉरी वर्किंग नोट नंबर हाँ टू ही हो गया ठीक है अब इसकी जर्नल एंट्री भी साइमल्टेनियसली पास कर लेते हैं चलो तो यहां पर आ जाते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है तो आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ट्वेंटी वन एट सेवन फाइव से एंड एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा थर्टीन वन ट्वेंटी फाइव से और इस तरह से दोनों मिलकर टी को कॉम्पनसेशन दे, दे देंगे टू टी कैपिटल अकाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड का ठीक है क्लियर हो गया इतना तो यहां पर हम लिख लेते हैं बींग गुडविल एडजस्टेड तो ये आपका गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो गया समझ में आ रहा है ठीक है कोई डाउट तो नहीं है चलो यहां तक हमारी कहानी कंप्लीट है अब इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं है थीका? तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन दोफिटीन द प्रॉफिट्स इन एटीन शुड बी टेकन टू हैव अक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का लास्ट ईयर हुआ था हम मान लेंगे कि इस साल भी सेवेंटी फाइव थाउजेंड का ही अगर पूरे साल का प्रॉफिट होता है तो यहां पर टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर थ्री में तो टी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट सेवेंटी फाइव थाउजेंड पूरे साल का प्रॉफिट है और टी ने सर्व किया है कब तक देखो टी की डेथ कब हो रही है टी की डेथ हो रही है फर्स्ट ऑगस्ट तो अप्रैल मे जून जुलाई चार महीने सर्व किया है ठीक है तो यहाँ पर हम फोर मंथ्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट निकाल लेंगे तो इंटू फोर बाय ट्वेल्व तो ये चार महीने का प्रॉफिट आ जाएगा उसमें टी का शेयर कितना होगा टू बाय टेन ठीक है तो निकाल लेते हैं सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू फोर बाय ट्वेल्व चार महीने का प्रॉफिट हो गया पच्चीस हज़ार इंटू टू बाई टेन आपका हो जाएगा फाइव थाउजेंड तो टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने चार महीने में कमाया वो है फाइव थाउजेंड तो यहां पर हम लिख लेते हैं फाइव थाउजेंड और कौन से अकाउंट से रूट करेंगे इसको बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट तो ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर थ्री समझ में आ रहा है ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ चलिए ठीक है तो बढ़िया रिविजन हो रहा है कैपिटल अकाउंट साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्रीज भी आपका आपको क्लियर हो रहा है सब चीज़ें चलो तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग ऑगस्ट फर्स्ट ये हो जाएगा आपका पी एन एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज़ कैपिटल अकाउंट फाइव थाउजेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया यहां पर लिख लेते हैं बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू टीस कैपिटल अकाउंट ठीक है तो ये हो गया चलिए प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीटली तो यहाँ पर आई थिंक हमारी सारी कहानी कंप्लीट होती है ठीक है सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होते हैं बस एग्जीक्यूटर अकाउंट बचा हुआ है मेनली तो सबसे पहले क्या करते हैं हम चलो सबसे पहले तो हम अपना कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं तो अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर सबसे पहले आ जाएगा ठीक है तो चलो देखते हैं कितना आ रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी वन एट सेवेंटी फाइव प्लस थर्टीन वन ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड तो ये आ गया आपका टोटल यहाँ पे आ रहा था वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड क्रेडिट साइड पे आ रहा था माइनस फाइव थाउजेंड किया तो अमाउंट ड्यू कितना आ गया वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड तो टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम यह ट्रांसफर कर देंगे कितना वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड ठीक है ये हम लिख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर है चलिए तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब इसकी एंट्री भी कर लेते हैं क्लास जनरल एंट्री क्या हो जाएगी फिर हम आ जाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट पे इसके बाद तो अब ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे क्या एंट्री करोगे जल्दी से बताओ टी के कैपिटल अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहा एग्जीक्यूटर अकाउंट में तो टू टीज टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज executor's अकाउंट कितना हो जाएगा ठीक है तो यहां तक तो सबको ही सबके ही एग्जाम में आने वाला है तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गेन प्रॉफिट ऑन रिवाल्यूशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया अमाउंट ट्रांसफर टू टीज एक्जीक्यूट वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड आ गया ठीक है तो ये सारी जर्नल एंट्रीज अभी तक की पहले देख लो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो देन हमने वर्किंग नोट्स अभी हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे ठीक है यहां पर हम लिख लेते हैं टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट ये हमारा मेन सोल्यूशन का ही पार्ट होने वाला है ठीक है और ये हमने वर्किंग नोट बना दिया है जिसमें टी का कैपिटल अकाउंट बनाया है जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे किस तरह से उसका टोटल अमाउंट ड्यू आया है जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया है फर्म की गुडविल एंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है तो टी का गुडविल में क्या हिस्सा था और टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या हिस्सा था वो हमने निकाल लिया कोई डाउट तो नहीं है इसमें जल्दी से रिव्यू कर लो फिर हम एग्जीक्यूटर अकाउंट पे आगे बढ़ेंगे अब आगे बढ़ के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या बोला गया है देखो उसके रिगार्डिंग हमें ध्यान से पढ़ते हैं हमें बोला गया है अ सम ऑफ रुपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड टू बी पेड इमीजिएटली टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ टी एंड द बैलेंस टू बी पेड इन फोर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली मतलब हर सिक्स मंथ्स में इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी ठीक है टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट टेन परसेंट पर एन चलो तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले तो इक्कीस हजार तुरंत पे कर रहे हैं तो एक काम करते हैं इसकी तो जर्नल एंट्री हम पास कर ही सकते हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑगस्ट फर्स्ट को इमिजिएटली एग्जीक्यूटर अकाउंट में एक लाख इक्कीस हजार हमने ट्रांसफर किया और तुरंत टीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट ट्वेंटी वन थाउजेंड अब पे कर रहे हैं ठीक है इतनी लाइबिलिटी जो थी इतना अमाउंट ड्यू जो था वो हम तुरंत डिस्चार्ज कर रहे हैं तुरंत पे ऑफ कर रहे हैं अमाउंट पेड टू ठीक है तो जर्नल एंट्रीज यहां तक क्लियर हो गई आपको ठीक है तो जर्नल एंट्रीज में एक बार जल्दी से देख लो जर्नल एंट्रीज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कर ली सबसे पहले देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने, करने, करने की एंट्री देन गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री देन जो गुडविल वैल्यूएशन हुआ था उसमें एडजस्टमेंट की एंट्री देन शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देन टोटल कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया एंड देन उस अमाउंट में से हमने ट्वेंटी वन थाउजेंड एग्जीक्यूटर को पे तुरंत कर दिया इतना समझ में आ गया चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट तो यहाँ पर एक कॉलम हमें और बनाना होगा दैट इज डेट का तो यहां पर हम डेट का कॉलम और ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डेट पर्टिकुलर्स सिमिलरली यहां पर भी डेट का कॉलम ऐड कर लेते हैं डेट पर्टिक्यूल चलिए तो एक अगस्त को टोटल बैलेंस कितना आएगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री हुई थी टी के कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस था पूरा कंप्लीट कर दिया हमने उसका वाइंड ऑफ वाइंड ऑफ कर दिया उसका पूरा कैपिटल अकाउंट ठीक है तो वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड हमने टी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज दिया तो ये बिल्कुल लोन अकाउंट की तरह ट्रीट करना है इसको ठीक तो है तो यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट ऑगस्ट टू है फर्स्ट तो अगस्त 2018 को हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा लेकर आए वन लाख ट्वेंटी किया कहां से आया टी के कैपिटल अकाउंट से तो बाय टीज कैपिटल अकाउंट आया समझ में तो बेसिकली हमने ये एक लाख इक्कीस हजार उठाया और यहां पर डाल दिया ठीक है अब एक लाख इक्कीस हजार में से हम इसी दिन सेम डे फर्स्ट एट 2018 को हम पेमेंट तुरंत कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट तुरंत कर रहे हैं 21,000 तो अब अगर आप नेट ऑफ करके देखो एक लाख इक्कीस हजार ड्यू था उसमें से इक्कीस हजार तुरंत पे कर दिया तो एक अगस्त से ठीक है कितना अमाउंट बचा अब आप ड्यू आपका एक लाख ही बचा समझ में आ रहा है इतना चलो अब आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ध्यान से आपको क्या पढ़ना है यहां पर क्या बोला गया है कि फोर इक्वल हाफ इला इंस्टॉलमेंट्स मतलब एक लाख इक्कीस हजार में से इक्कीस हजार अगर आपने दे दिया तो अब कितना बचा एक लाख बचा तो एक लाख जो रिमेनिंग बैलेंस है इसको आपको चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में फोर इक्वल तो इसके चार इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितने कितने हो जाएंगे पच्चीस हजार इच ठीक है तो ये आपको देना है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ठीक है तो हर छः छः महीने में आपको देना है चलो तो यहां पर एक अगस्त के बाद छः महीने कब कंप्लीट होंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी दैट मींस इकतीस जनवरी 2019 को आपका इंटरेस्ट डी हो जाएगा क्योंकि छः महीने कंप्लीट हो गए एक अगस्त से काउंट करना है आपको ठीक है तो फर्स्ट अगस्त से सिक्स मंथ्स आपने काउंट किए कितना हो गया बाय इंटरेस्ट अकाउंट तो कितना हो जाएगा देखो एक लाख रुपए पे इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया तो एक लाख पे दस परसेंट से सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे आ रहा है समझ में तो कैलकुलेट करो जल्दी से एक लाख पे दस परसेंट से सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड समझ में आ रहा है तो आपको अब छह महीने बीत चुके हैं तो आपको क्या करना होगा पेमेंट करना होगा तो इकतीस जनवरी दो को आप पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट जिसमें से आप 25,000 की पहली इंस्टॉलमेंट जो है हर सिक्स सिक्स मंथ्स में पे करना है तो फर्स्ट सिक्स मंथ्स में जो 25,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है प्लस ये जो पांच हजार का इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो टोटल कितना हो गया थर्टी थाउजेंड समझ में आ रहा है इतना क्लियर हुआ इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस को तो इकतीस दो हजार इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस तक कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो भी निकाल लेते हैं तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट अब ध्यान से सुनना ठीक है एक लाख आपने एक लाख में से पच्चीस हजार पे कर चुका है इकतीस जनवरी को ठीक है तो अब फेब और मार्च दो महीने का जो इंटरेस्ट है वो 75,000 फाइव थाउजेंड पे ही लगेगा तो 75,000 थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू टू बाई ट्वेल्व समझ में आ रहा है बिल्कुल बेसिक मैथ हो जाएगा वन टू फाइव जीरो तो इकतीस मार्च को अब आप बुक्स क्लोज कर दोगे यहां पर तो थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार उन्नीस टू बैलेंस सी तो कितना हो जाएगा आपका देखो टोटल करो सेवेंटी सिक्स टू फिफ्टी आएगा वैसे बट देखो आप खुद कैलकुलेट करके देख लो कितना हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड प्लस वन टू फाइव जीरो तो ये हो जाएगा 127, ट्वेंटी सेवन टू फिफ्टी माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड तो ये हो गया सेवेंटी सिक्स टू फिफ्टी तो सेवेंटी सिक्स टू फिफ्टी कैसे आया सेवेंटी फाइव थाउजेंड का अमाउंट जो बचा हुआ है अभी पे करने का प्लस जो बारह सौ पचास का अभी तक इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है वो हो गया समझ में आया चलो इसके बाद नेक्स्ट डेट आते हैं एक अप्रैल पे तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा और ये जो बैलेंस है क्लोजिंग ये ओपनिंग बन जाएगा तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना सेवेंटी सिक्स टू फिफ्टी चलिए नेक्स्ट इंटरेस्ट कब ड्यू होगा देखो ध्यान से पहला सिक्स मंथ्स का जो इंटरेस्ट था वो इकतीस जनवरी को हुआ है ठीक है तो मतलब फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई थर्टी फर्स्ट जुलाई को अब आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट तो अभी कितना आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल अमाउंट सेवेंटी फाइव थाउजेंड आउटस्टैंडिंग है अभी भी तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड पे दस परसेंट से कितने महीने का लगाओगे देखो ये आप जनवरी के बाद से फेब और मार्च दो महीने का ऑलरेडी इंटरेस्ट ड्यू कर चुके हो ठीक है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा था इसीलिए तो अब आपको अप्रैल से कैलकुलेट करना होगा तो अप्रैल मे जून जुलाई आपको चार महीने का और बचा हुआ और इंटरेस्ट ड्यू करना बाकी है तो इंटू फोर बाय ट्वेल्व तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू फोर बाय ट्वेल्व कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड समझ में आया तो अब थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन को आप पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट तो अगली पच्चीस हजार की इंस्टॉलमेंट जो आपको देनी है वो प्लस जो टोटल छह महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया ये दो महीने और ये चार महीने टोटल छह महीने हो गए तो प्लस वन टू फाइव जीरो प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट सेवन फिफ्टी ठीक है तो ये आपने इंस्टॉलमेंट दे दी समझ में आ गया अब अगला इंटरेस्ट फिर कब से कब ड्यू होगा ध्यान से देखो 31 जुलाई को इंटरेस्ट ड्यू हो गया अगले छह महीने बाद गिनो तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी अगेन 31 फर्स्ट जैन दो समझ में आ रहा है तो यहां पर हम ड्यू कर देंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट ड्यू करोगे अब आपके प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा सिर्फ पचास हजार बचा दो इंस्टॉलमेंट दे चुके हो आप ये आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर वन हो गई और यह आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर टू हो गई तो पच्चीस पच्चीस करके आप पचास हजार का प्रिंसिपल अमाउंट दे चुके हो बचा पचास हजार उस पर दस परसेंट लगाओ ठीक है कितने मंथ्स सिक्स मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ड्यू किया तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व भी आपका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अगेन ठीक है इतना इंटरेस्ट ड्यू कर दिया तो अब अगेन आप पेमेंट करोगे थर्टी फर्स्ट जैन ट्वेंटी ट्वेंटी को ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जा रही है तो टू बैंक अकाउंट पच्चीस हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट तो दोगे ही प्लस छह महीने का इंटरेस्ट जो आपका ड्यू हो गया है पूरा पच्चीस सौ रुपये तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड ये हो गई आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट भी समझ में आ रहा है ठीक है कोई कंफ्यूजन तो नहीं चलो अब यहां पर फिर हम ईयर क्लोज कर लेते हैं तो 31 मार्च 2020 को अगेन इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा रिमेनिंग तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो जाएगा ध्यान से देखो पचास हजार रुपये यहाँ पर तीन इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं अच्छा हम तो पच्चीस हजार ही बचा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बचा प्रिंसिपल अमाउंट उस पर दस परसेंट से कितने मंथ का देखो जनवरी में लास्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ था तो फेब और मार्च दो महीने का करना पड़ेगा टू बाय ट्वेल्व तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू टू बाई ट्वेल्व भी हो जाएगा फोर वन सेवन ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस सी कितना आ जाएगा ध्यान से देखो तो क्लोज कर देते हैं बुक्स टोटल कितना हो गया सेवेंटी सिक्स टू फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस फोर वन सेवन वन सिक्स सिक्स सेवन ठीक है माइनस ट्वेंटी एट सेवन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड तो आपका क्लियरली बचेगा कितना ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन समझ में आ रहा है ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन कैसे बचा फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ ठीक है कितने महीने का दो महीने का जो अभी वैसे ड्यू नहीं हुआ था बट क्योंकि बुक्स क्लोज हो रहे थे इसलिए हमने उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लिया अक्रूव कर लिया समझ में आ रहा है और पच्चीस हजार की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट बची हुई है तो इसलिए ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन अब आपका क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस चलो अब नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी तो इस दिन हम ये क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बना रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन चलो तो हमारे कब कब ड्यू होंगे जुलाई और जनवरी में ही ड्यू होगा क्योंकि एक अगस्त को डेथ हुई थी पार्टनर के उसके हिसाब से हमें सिक्स मंथली सिक्स मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर अब नेक्स्ट इंटरेस्ट बताओ जल्दी से कब ड्यू होगा यहाँ पर लास्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ था इकतीस जनवरी को ठीक है जो आपका हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू हुआ था समझ में आ रहा है तो यहाँ से सिक्स मंथ कितना हो गया आपका जुलाई ठीक है तो यहाँ पर थर्टी फर्स्ट जुलाई को कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 31 जुलाई को 25,000 हज़ार का जो बैलेंस बचा हुआ है लास्ट इंस्टॉलमेंट का उस पर दस परसेंट से कितने मंथ्स के लिए अप्रैल मई जून जुलाई ठीक है नया साल चालू हो चुका है तो अभी तक चार महीने हुए हैं तो फोर बाय ट्वेल्व चलो तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टेन परसेंट इंटू फोर बाय ट्वेल्व ये हो जाएगा आपका एट थर्टी थ्री समझ में आ रहा है चलो तो यहां पर अब हम फाइनल पेमेंट कर देंगे थर्टी फर्स्ट जुलाई को 2020 टू बैंक अकाउंट तो ये हो जाएगी आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट ठीक है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी ध्यान से देखो पच्चीस हजार रुपए तो लास्ट प्रिंसिपल अमाउंट बचा है वो प्लस ये फोर वन सेवन का इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ था दो महीने का प्लस ये चार महीने का इंटरेस्ट टोटल छः महीने का हो गया ठीक है तो फोर वन सेवन का इंटरेस्ट प्लस एट थर्टी थ्री तो कितना हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फोर वन सेवन प्लस एट थर्टी थ्री ये हो गया ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी ठीक है तो ये आपने पूरा पे कर दिया तो यहां पर हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन प्लस एट थर्टी थ्री ये भी हो गया टू ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी और ये भी टोटल हो गया आपका ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी तो ये आपका पूरा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कंप्लीट होता है समझ में आ रहा है तो अच्छा क्वेश्चन था इस एक क्वेश्चन में आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए जर्नल एंट्री सीख ली रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला पार्ट सीख लिया ठीक है फिर आपने कैपिटल अकाउंट का पार्ट सीख लिया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड प्रोफिट सीख लिया तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये और बाकी अकाउंट आपने स्पेसिफिकली सीखा ठीक है तो एक बार मैं जल्दी से ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा देती हूँ सबसे पहले एक अगस्त को टी के कैपिटल अकाउंट से एक लाख इक्कीस हजार लेकर आए उसमें से तुरंत ट्वेंटी वन थाउजेंड पे ऑफ कर दिया एक अगस्त को ही ठीक है तो यहाँ पर अब सिक्स मंथली हमें इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है तो एक लाख बचा रिमेनिंग अमाउंट उसका इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितना हो जाएगा पच्चीस पच्चीस हज़ार ईच ठीक है जो हर सिक्स मंथ्स में ड्यू होगी तो एक अगस्त से हर सिक्स मंथ्स में ये वाली ड्यू हो जाएगी आपका कब इकतीस जैन को ये वाली होगी थर्टी फर्स्ट जुलाई को ये वाली अगेन थर्टी फर्स्ट जैन को एंड ये थर्टी फर्स्ट जुलाई को समझ में आ रहा है तो इस तरह से हर छः छः महीने में आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ चलिए तो यहाँ पर आ गए फिर हम कितने बचे थे एक लाख रुपए पे इकतीस जनवरी को हमने रिकॉर्ड किया दस परसेंट से सिक्स मंथ्स का फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी पहली पच्चीस हजार प्लस पाँच हज़ार थर्टी थाउजेंड हो गया समझ में आया फिर बुक्स क्लोज करनी थी इसलिए रिमेनिंग मंथ्स का इंटरेस्ट हमने यहाँ पर अप्रूव कर लिया टू मंथ्स का तो दैट इज़ वन क्लोजिंग बैलेंस आ गया सेवेंटी ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया अगले अकाउंटिंग ईयर में देन जुलाई में अगेन हमने बचे हुए चार महीने दो महीने का तो कर चुके थे बचे हुए चार महीने का इंटरेस्ट ड्यू किया ठीक है फिर हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी इकतीस जुलाई को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पच्चीस हज़ार प्लस ये चार महीने और दो महीने का इंटरेस्ट ट्वेंटी एट सेवन फिफ्टी फिर हमारी थर्टी फर्स्ट जान आई ठीक है थर्टी फर्स्ट जान पर रिमेनिंग दो इंस्टॉलमेंट जा चुकी है तो पचास हजार प्रिंसिपल अमाउंट बचा था उस पर छः महीने से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया पच्चीस सौ रुपये ठीक है अब हमारी इंस्टॉलमेंट चली गई अगेन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस पच्चीस सौ रुपए का इंटरेस्ट ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी चली गई चलिए इसके बाद फिर हमने क्या किया फिर अगेन ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया तो अभी तक तीन इंस्टॉलमेंट जा चुकी है तो अब सिर्फ पच्चीस हज़ार आउटस्टैंडिंग है तो पच्चीस हज़ार दस परसेंट से दो महीने का आपने कैलकुलेट कर लिया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन अगेन अगले अकाउंटिंग ईयर में आपने एक अप्रैल दो हज़ार बीस को कैरी फॉरवर्ड किया ट्वेंटी फाइव फोर वन सेवन पे ठीक है देन आपने पच्चीस हज़ार पे इंटरेस्ट अगेन लगाया बचे हुए चार महीने का इकत्तीस जुलाई को तो ये आपका आ गया एट थर्टी थ्री और इस तरह से टोटल आपने पेमेंट कर दिया ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी जिसमें से पच्चीस हज़ार लास्ट इंस्टॉलमेंट थी प्लस फोर वन सेवन और एट थर्टी थ्री दो महीने और चार महीने का इंटरेस्ट था ये हो गया आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट ठीक है जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो चलिए तो हमने यहाँ पर आज जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है इसमें कोई भी डाउट हो दिक्कत हो परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आज के लिए इतना ही बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स स्टे ट्यून्ड गुड बाय